इस्लाम तक का सफर आपको बताना है कि जब तक आप मुसलमान थे क्या हालात थे आपके, कैसी जिंदगी गुजर रही थी। जी मैं जी मैं लाइक एक वेरी पायस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, और लाइक सबसे पायस मेरे फैमिली में करेंटली जो अपकीप करती हैं सारी पायटी मेरी माँ है। सिंस उनका बेटा होने से मैं मुझे जो है बचपने से एक रिलीजियस मोटिवेशन, एक इस्लामिक मोटिवेशन जो है मुझे बचपने से मुझे दिया गया है। जरिया जो भी मुझे इस्लाम की तालीम, इस्लामिक सोर्सेज जैसे मेरे मौलवी साहब थे, जैसे लाइक कोई भी एक कुरान है नहीं, किसी की भी तफसीर है या अंडरस्टैंडिंग है, मेरे बड़ों की, मेरे बुजुर्गों की, जो भी बेहतर है, जो नमाज या रोज़ा रहना नहीं, ज़कात देना, फातिहा दिलाना, जो कुछ भी है सभी लाइक मेरे फैमिली में होता है। और वही लाइक मुझे भी एक एक्सपेक्टेशन मेरे से थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करना चाहता था, आई मीन इट इज़ आफ्टर ऑल वेरी कल्चरली सिग्निफिकेंट टू अस। सो इस बात में मैं लाइक ट्रूली इन्वेस्ट होने के लिए, लाइक इंटरेस्ट लाने के लिए मुझे भी लाइक खुशी होती थी, क्योंकि मेरी माँ खुश होती थी इस सब से, ये सब करने से, और अभी भी खुश होती हैं। लाइक वेरी वेरी फर्ज से वो अभी भी लाइक हर फातिहा, हर दरूद, हर आयत, हर तस्बी, जब भी जो भी एक हर बात के लिए, हर मामले के लिए ये तस्बी, वो आयत, रात में सोने से पहले ये पढ़ कर सोना, सुबह को उठ कर क्या करना, ये सभी वेरी वेरी पायसली वो फॉलो करती, ट्रूली डाउन टू द लास्ट डिटेल। ऐसे में मुझे उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, उनके साथ में करने के इरादा, उनके साथ मेरा रिलीजन इस्लाम प्रैक्टिस करने का इरादा मुझे एक सच्चाई से था, ले था सच्चाई से है, लेकिन लाइक अभी भी है। आई मीन आफ्टर ऑल इन सर्च ऑफ ट्रूथ आई वाज एबल टू फाइंड आउट ऑल द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स दैट आर वेरी अननोन टू द कॉमन पीपल, लाइक टू द कॉमन, आई मीन I'm also like somewhat common. I wouldn't say I'm very extraordinary or anything, but like utterly unaware है ये। सबको इस्लाम, सभी इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन generally सबको ये मालूम नहीं होता है, because it's like offset to those who are authoritative, like जैसे हमारे मौलवी होते हैं, या हमारे मस्जिद में हमारे नमाज पढ़ाने वाले होते हैं, या हमारे बुजुर्ग होते हैं, या जो भी वो जानते हैं, जो भी वो समझते हैं, वो समझ ही ठीक है, और दूसरा जो भी, जो कोई भी बोलता है खराब हो या उनके मानने के खिलाफ जो भी जाता हो, जो भी वेरी लाइक काउंटर पॉइंट हो, उसको डिसमिसिवली एक्नॉलेज नहीं करने का इरादा। ऐसे में लाइक वो भी मुझे भी था आफ्टर ऑल, लाइक वो सेंटिमेंट तो ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन में है, द अदर साइड व्हाट सेज इज डजंट मैटर, व्हाट वी से इज ट्रू फॉर आवरसेल्व्स। ये ज्यादा भी मुझे नहीं था, क्योंकि मेरी माँ जो है इस बात से सब पार, जरी उनको एक जरी क्या, एक अमन से जीने की समझ, यू नो लाइक एक सनद, एक अमन, एक शांति से जीने की, एक जीने का इरादा, एक मतलब ज़्यादा, या फसाद खड़ा करना, या रत्ती बात को स्पेशली बाहर की दुनिया के साथ, हमारे घर के अंदर की नहीं, हम बाहर की दुनिया के साथ जैसे प्रेजेंट कर लेना है अपने आप को, वो एक उनकी एक, हम वो भी तो इंसान है आफ्टर ऑल। सो इस बात से वो वैसे लाइक मेरी एक मॉडरेट समझ थी। So, उस conceived, उस जैसा उनका notion है वो, उस preconceived notion में मैं भी वैसे ही mindset में ये कुरान को, इस्लाम को एक अच्छे मायने में, एक अच्छे नजरिए में देखते हुए पला बड़ा गया हूँ। अब इस बात को मैं, since अब like मेरे से expected है, नहीं
इवन एक्सपेक्टेड ना होते पर भी मैं ऑनेस्टली सच्चाई से सच्चे दिल से मैं मेरी माँ की इस बात में खिदमत, इस बात में सायादारी, इस बात में उनका सपोर्ट बनकर मैं करने का मेरा इरादा जो अभी भी हर हर दूसरे जिंदगी के मामले में एक है, वही इरादे से मैं इस्लाम की हर रत्ती डिटेल के बारे में भी मैं फुल्ली विदाउट स्लिवर ऑफ डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन, जो है सो है, यही हमारे इस्लाम में है, यही ऐसे है। सो ऐसे में उनका जो पायटी है, उनका जो पायस नेचर है, वो मैं इम्बाइब उनसे ट्रांसेंड होकर मुझे जो है मेरे में मैं उतार रहा था बेसिकली अपने आप में उनकी उनका बिलीफ जो है, उनका जितना लेवल ऑफ बिलीफ है, जो भी वो मानती हैं, जो भी वो करती हैं, पूरे मेरे में मैं समाने के लिए पूरी हर कोशिश मैं कर रहा था। ऐसे में हमारे थोड़े जिंदगी के तकलीफ होते हैं, तकलीफ होने पर भी मेरा एतिहाद, मेरे माँ का एतिहाद तो अभी भी अटल है, वेरी इस अनशेकन टू हर, इवन इन फेस ऑफ ऑल द एडवर्सिटीज, ऑल द हार्डशिप्स, ऑल द ट्रिबुलेशंस, ऑल द ट्रायल्स शी हैज फेस्ड, हर फेथ इज स्टिल अनशेकन, it's not even it's unshaken, it's her only source of hope, her only source of strength. इसीलिए मैंने कहा था आपसे previous streams में कि मैं तो चलो ऐसे ऐसे एक mindset में हूँ, लेकिन मेरी माँ को या मेरे माँ बाप को जो भी है, उनका जो भी मानना है, मैं चुप चुप के उनके 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 मानने को, उनके ईमान को, उनके belief को constantly question करना, constantly break down करना, I mean after all वो उनकी भी उम्र हो गई है, so मैं उनके पास उनको correct करके भी मुझे क्या होने का है, वो obviously मुझे तो force तो नहीं कर रहे हैं, उनका belief मेरे ऊपर तो force नहीं कर रहे हैं, और ये बात भी तो है, मैं कैसे मेरे beliefs उन पर force करूँ, so exactly. So, ये बात जो है, ये बात से मैं उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन उनकी पायटी को मैच करने के लिए जो मेरे में डेवलप करने का जो जरूरत थी, ईमान का नेचर, इस्लाम की हर बात जो मेरे में उतारने की जरूरत थी, और मैं आपसे ये सही कह रहा हूँ कि एक्चुअली मैं भी almost up to her extent उनकी जितनी हद है इस्लाम में अल्लाह में मानने की जो उनकी हुवत है, almost उनको मैं मैच करना शुरू भी कर दिया था। Okay. बात ये रही कि जब मैं ये मेरा नेचर है कि मैं हर बात को एक डिटेल से, हर रत्ती रत्ती बात को भी मैं एक समझ कर अपने आप को मैं वो बात हूँ अपने आप में उतारता हूँ, the nature of whatever is the subject I try to embody and imbibe the nature of whatever is the subject is the subject at hand. So aise mein karte karte thode Islam ke scriptures mein, Islamic sources mein, Islamic jurisprudence aur practice mein jo jo cheeze hoti hain aur hain likhi hui aur in likhi hui baaton par, in likhi hui points par जो प्रैक्टिस होती है, जो सब कुछ जो किसी के साथ क्या भी एक बुराई, बदसलूकी, नाइंसाफी जो भी होती है, ये मुझे कभी भी उसको मैं रिकंसाइल करने पाया नहीं। तो आपने ये बताया कि आपकी माँ काफी रिलीजियस है और कुछ तकलीफें भी आपके घर में आई, लेकिन उसके बावजूद उनका जो ईमान है वो डगमगाया नहीं या उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और वो चीज आपके अंदर भी उस चीज को आप लाना चाह रहे थे और आपने कोशिश भी की। तो क्या आप नमाजें भी पढ़ते थे, 5 टाइम की नमाज? आप भी रिलीजियस थे? जी जरूर जरूर नमाज पढ़ता था मैं, उनकी जो भी
आयतें वो जानती थी, वो मैं हर आयत उनके पास से मैंने सीखा। लाइक फातिहा की दर्जे मैं करता था, और लाइक मैं अभी भी लाइक जो भी मैंने सीखा है उनके पास से, मुझे अभी भी लाइक फुल्ली मुझे अभी भी याद में है जो भी मैंने उनके पास से सीखा है। जो जो लाइक लाइक वही तो कह रहा हूँ मैं, लाइक एवरी लेवल, लाइक एट एवरी लेवल शी वाज लाइक एफ्लुएंट इन एवरीथिंग। आई ट्राइड टू मैच हर एज क्लोजली एज पॉसिबल, और इवन ट्राई टू बेटर इफ आई कुड, लाइक उनसे भी बेहतर अगर मैं करने पाऊँ तो वो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो, उनकी भी तो उम्र हो रही थी। क्या हमेशा क्या वो वही स्टैंडर्ड पर या वही लाइक लेवल पर क्या वो हमेशा मेंटेन करने पाएंगी? नहीं ना। सो इसलिए मैं जगह सबसे बेहतरीन मायने में पूरी करने की पूरी कोशिश में मैंने इस बात में हर बात के लिए उतर के जानने की कोशिश मैंने लगाई है। ये लगाते ओके लगाते ये करते करते ही मैंने इस्लाम के हर रती बात को जानने के इरादे में, इस्लाम के बारे में पूरा इतना सब जो है मैं जानने के हद में हालत में आया। ओके फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अब जो एक बात जो है हमेशा मुझे एक ठेस पहुंचती थी, मेरी माँ को या किसी को भी औरत जात जो हमारे इस्लाम में है, सर्टन सर्मन्स में हमारे जो हमारे मौलवी या कहीं भी जो लाइक प्रमोट करते हैं, जो कहते हैं कि औरत जात आपके पैर के नीचे की धूल है, ये बात मुझे कभी भी लाइक वेल सेटल नहीं होती थी। ले ये कैसे कह सकते हैं कोई भी किसी के बारे में, लाइक के ये भी तो इंसान है, आपके साथ ही हैं ये, आप किसी को भी ऐसे कैसे कह सकते हैं लेकिन ये? इसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जी जो जरूर। आपने बात बताई है कि औरत जात जो है वो पैर की जूती की धूल होती है, तो मतलब जहां तक मेरा सवाल है, मैंने तो कोई ऐसी आयत या हदीस तो पढ़ी नहीं है, तो कौन से वो आलिम साहब थे? बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि कम अकल होती है तो और वो ज्यादातर औरतें जो है वो जहन्नम में जाएंगी, ये सब कई सारी चीजें मिलती है, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि औरतें जो होती है वो आदमियों के पैरों की धूल के बराबर होती है। ये मतलब कौन से वो आलिम साहब थे इतने डेंजर? मैंने लाइक ये जो है सूरह अल बकर में ये आयत नंबर 2 सॉरी 223 है, ये बात मैं इसमें ही मैंने नोटिस किया था। मैं कुरान को अच्छा इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ता हुआ मैंने एक लफ्ज एनकाउंटर किया था सूरह बकरा में, शुरू शुरू में। उसमें कहा गया था कि योर वाइव्स आर एज लाइक टिल्थ ऑन टू यू, अच्छा हाँ टिल्थ। हाँ 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 जैसे सो चाहो ये खेती है। हाँ एग्जैक्टली ये टिल्थ, इस टिल्थ को, इस बात को मैं डेफिनेशंस उठाकर देखा तो, और इसकी लाइक उर्दू तफसीर है हमारे घर के कुरान में, ये उठाकर देखा तो इसका मिसकंस्ट्रूड लाइक प्रेजेंटेशन जो है इस बात की, ये बात करते हैं कि समझ में मैंने ये समझ को सॉरी इस समझ को मैं आया हूँ कि ये है कि औरत जात जो है हमारे हमको टिल्थ या पैरों की तले धूल के बराबर है अच्छा, ये। आप वैसा समझे, आई मीन वो जो वर्ड यूज किया गया है टिल्त या फिर खेती, तो ये आपको नागवार गुजरी कि इस हाँ तरीके हाँ के अल्फाज जो है हाँ वो इस्तेमाल किए औरतों के जाते लिए महिलाओं के लिए क्यों इस्तेमाल किए जा रहे? ठीक है, हैं। फिर हाँ आगे। सो लाइक ये जो है एक वेरी लाइक एक ट्रिगरिंग सेंस था ये मेरे लिए। ये तो क्या क्या इस बात को लाइक लेकर ऐसे कह रहे हैं क्या ये? क्योंकि लाइक मैंने बचपन से ये सुना है, ये लफ्ज को मैंने लाइक ये सेंटेंस से जो है ये मैंने बचपन से मैंने सुना है। सो क्या मैं यही सोच रहा था, क्या इस बात को लेकर कह रहे हैं कि औरत जात जो है अपने शौहरों के पैरों तले धूल होती है, योर वाइव्स आर एज टिल्थ ऑन टू यू, इस बात से ढूंढते हुए मैं दूसरे सोर्सेस को
जानता जानता हुआ, खोजता खोजता हुआ, पढ़ता पढ़ता हुआ पहुंचा तो बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे लाइक ना लाइक ये औरत जात को लाइक डिमीन करके जो बात कर रहा है कर रहे हैं, जैसे कुरान में पॉइंट्स मेंशन करते हैं लाइक वुमन इज हाफ द विटनेस ऑफ अ मैन, वुमन इज ओनली होल्ड इट हाफ दैट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी इज होल्ड ओनली हाफ दैट ऑफ अ मैन, ये जो है मुझे लाइक मेरे मेरे इट डिडन सिट वेल विथ मी, लाइक आई कुडंट एक्सेप्ट दिस, मैं मानने के लिए जरा जरा बहुत ही मुझे तकलीफ हो रही थी। फिर अच्छा, ये सिर्फ इसमें औरत जात आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू. मतलब ये नहीं बहुत कहिए, वैलिड पॉइंट है कि जी, आवाज नहीं आ रही है मेरी. नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बीइंग अ मैन यू वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट, यू नो, दिस काइंड ऑफ जी वर्ड्स आर यूज्ड फॉर वुमेन. या तो मतलब हमें ये अफसोस होता है कि जो मुस्लिमा है या मुस्लिम औरतें हैं, जब वो इस तरीके की आयत को पढ़ती है और जो अहादीस में लिखा गया है उसको पढ़ती है, तो क्या, आई मीन, व्हाई दे आर नॉट एबल टू फील दैट, यू नो, दीज वर्ड्स आर नॉट गुड फॉर अस. आई मीन, हाउ अ क्रिएटर, यू नो, मतलब वो क्रिएटर अगर है, खालिक के कायनात है, तो वो हमारे लिए इस तरीके के अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा है. तो ये सूरज बनाते हैं, चांद तारे बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं, लाइक स्पेस और टाइम बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं, और लाइक एग्जैक्टली वुमेन्स के लिए ऐसे डेफिनेशंस रखते हैं। ये यही लाइक मेरे एक नेचर के साथ में लाइक रिकनसाइल करने, आखिर में रिकनसाइल करने नहीं पाया। मैंने रिकनसाइल करने की बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश ही नहीं की, नहीं मैंने की है बाय नॉट एक्नॉलेजिंग और लाइक व्हाइट वॉशिंग और लाइक शुगर शुगर कोटिंग व्हाट कोटिंग. वाज एक्चुअली मेंट इन देयर, तफसीर की तफसीर करना, वैसे लाइक वैसे समझ में मैंने लाइक रिकनसाइल करने की बहुत बहुत मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपको, मैंने बहुत कोशिश की है। लाइक आफ्टर ऑल मेरा मेरा शुरू से इरादा और जो पर्पस है मेरे मेरे माँ के साथ में, उनके उनके ईमान में, उनके फेथ में, उनके साथ का सपोर्ट देने का जो मेरा इरादा हमेशा से था, लाइक वही तो मेरा शुरू करने का इरादा था। लाइक मैं ऐसे ढूंढने के इरादे में नहीं था कि क्या फॉल्ट्स है क्या नहीं है, मैं उसको लाइक लिख कर है वैसे ही ले रहा था, और जो भी उसके बारे में कुरान के बारे में जो भी सभी कह रहे थे, जैसे हमारे मस्जिदों में हमारे इमाम होते हैं, हमारे मौलवी साहब हम ना पढ़ाने वाले होते हैं, जो हम मुझे कुरान पढ़ाने वाले इमाम साहब सॉरी मौलवी साहब आते थे, वो जो भी कह रहे थे उन वो जैसे भी कह रहे थे वो सभी मैं हूँ यूं ही एग्जैक्टली एज सेड मैं ले रहा था एट फेस वैल्यू विदाउट क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन। आखिर में लाइक इट वाजंट ड्यू टू लाइक वन सिंगल आई कुडंट लाइक I couldn't reconcile with one single issue that is present in our Islamic scriptures, like ये women against ऐसे like rules और like restrictions or basically debilitating है ये non-Muslims के against की जो prejudice हमारे में like codified prejudice जो है, और like जो भी और हमारे हमारा रिलीजन ही हर एक से भी बेहतर है, किसी का लाइक इज नथिंग नथिंग क्लोज टू अस, डजंट मैच, इट्स सुप्रीमेसी. या सुपीरियरिटी, हम ही लाइक मॉरली हम ही बेटर हैं, इट्स आर मॉरल ऑब्लिगेशन, इट्स आर गॉड गिवन राइट टू बी टू एग्जैक्ट व्हाट वी थिंक इज राइट ऑन टू अदर्स एंड ऑन टू आवरसेल्व्स। ये जो है आखिर में लाइक बहुत बहुत मैंने कोशिश की रिकनसाइल करने की, लेकिन आखिर में मैं करने नहीं पाया। सो और द जी, बीच में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जी जैसे कहिए कि ये कुछ चीजें आपने बताई है, इसके अलावा फिर जो हमारे उलमा होते हैं, जो मॉडर्न किस्म के उलमा है या स्पीकर्स है, वो जी लोग कहिए ज्यादा इस बात पे
ज़्यादा गौर करवाते हैं कि कुरान में साइंस है, बिग बैंग है और एम्ब्रियोलॉजी है और वो कॉस्मोलॉजी है, या मतलब ऐसी साइंस से इसको जोड़ते हैं। तो सिंस यू आर वेल एजुकेटेड, आप कैसे इसको देखते हैं? ये जो है हर रिलीजन में प्रेजेंट है, इट्स नॉट अनकॉमन एंड इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू आर्स। दिस इज बेसिकली क्रिएशनिज्म, लाइक इट्स बेसिकली टू स्टे रिलेवेंट थ्रू टाइम। आई मीन एवरी ईयर जो है लाइक बाइबल की भी लाइक रिविजन्स होती हैं टू स्टे अप विद द वर्ड्स और इंटेंशंस व्हाट इट वाज मेंट टू कन्वे। लाइक जस्ट अपकीप होती है, वैसे ये भी अपकीप करने की कोशिश में है। I mean, it's after all, they have to do so. How do you see these claims? I mean, if we see Quran and, you know, वो इतना इस पे इसरार करते हैं, तो जैसा बिग बैंग है, तभी एक आयत है कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, हमने उसे जुदा जुदा कर दिया, तो इससे the whole big bang, I mean, how silly is that claim? अभी जैसा एक पिछले बार एक आयत है, वो ब्लैक होल की बात कर रहे थे, मतलब क्या है ये? वो तो हो नहीं सकता। वो मैंने तो उस रोज ही आपको लाइक बेसिक बातों से और एक बात साहिल साहब, ये जो है मैंने उस रोज जो ब्लैक होल की मैंने लाइक एग्जांपल यूज की थी ना, वो एग्जैक्टली जो ब्लैक होल की एग्जांपल जो है मेरे दिमाग में जो था वो जो है मेसियर 87 स्टार। उस ब्लैक होल का लाइक कोड, उसका नाम जो है, हमने जो एस्ट्रोनॉमर्स जो दी है वो उसका नाम जो है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने जो उन्हें उसे नाम प्रोवाइड की है, वो उसका नाम है मेसियर 87 स्टार। वो एक जो ये कॉन्स्टेलेशंस होते हैं ना, एरीज, टॉरस, जेमिनी, ये कॉन्स्टेलेशंस जो होती है ना, उनमें जो वर्गो कॉन्स्टेलेशन है उसके उसके लाइक तारों के सेटिंग में, उसके सेटिंग्स में से ये जो है एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के सेंटर का ये ब्लैक होल है, उसका मैंने एग्जांपल यूज किया था। वो जो है इज एक्चुअली 55 मिलियन लाइट इयर्स अवे। हमारा जो है ये बात, ये जो है करेक्शन की मेरी, वही वो जो है सैकड़ों लाइक साल लग जाएंगे और सैकड़ों और अरबों किलोमीटर दूर है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि हमारा क्लोजेस्ट सोर्स, आई एम वेरी सॉरी आई वाजंट इन द कंप्लीट लाइक फुल द बेस्ट स्टेट ऑफ माय माइंड, वो मैंने कहा था क्लोजेस्ट ब्लैक होल जो है हमारे मिल्की वे में है। सो हमारा क्लोजेस्ट ब्लैक होल जो है वो जो है 26,000 लाइट ईयर्स के करीब है। सो इट्स वेरी सिग्निफिकेंटली लेसर देन व्हाट आई सेड, बट आई सेड इट इन द परसेप्शन ऑफ वो वाला ब्लैक होल, क्योंकि वो जो है वेरी सिग्निफिकेंट इस बात के लिए है मेसियर 87 स्टार। हमारा जो है सैजिटेरियस ए स्टार है, वो ब्लैक होल को मैंने क्यों लिया था एज एन एग्जांपल इज बिकॉज वो ब्लैक होल की ही हमने फर्स्ट इमेज उठाई थी। मेसियर 87 स्टार की स्टार ब्लैक होल जो है, उसी ब्लैक होल का हम फर्स्ट इमेज उठाने पाए, क्योंकि उसका इमेज उठाना जो है आसान था। हमारे ब्लैक होल की तस्वीर उठाना मुश्किल था उनके लिए उस वक्त। सो पहले उस ब्लैक होल की तस्वीर उठाकर फिर इस ब्लैक होल उसमें जो लाइक सीखने को मिला उन्हें, उन एस्ट्रोफिजिसिस्ट को, उसकी जो भी सीख उन्हें मिली इस हमारे सजिटेरियस स्टार के ब्लैक होल की तस्वीर उठाने में समझ उन्हें वो मदद आई है। सो ये मेरी करेक्शन है, प्लीज माफ कीजिए। ठीक है जी, और क्या पॉइंट्स थे ऐसे जिससे आपको लगा कि नहीं इस्लाम जो है दिस इज नॉट समथिंग फ्रॉम क्रिएटर, ऐसा मतलब क्या लगा आपको, और क्या चीजें थी कुछ मेजर चीजें जो? हाँ जी, कुरान में रहो या दूसरे रिलीजन के रिलीजियस टेक्स्ट में रहो, इट्स ऑलवेज दे ऑलवेज यूज सम फॉर्म ऑफ लाइक real life phenomena, like real natural phenomena, to describe it in their own manner. So, ke ye kehte hain ke aise aise hota hai, so therefore it results into the whatever the subject is, whatever concern result is. So, ye use karte hue, wo ek some explanation to it provide karte hain,
बीच का लाइक मीडियन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द एंड रिजल्ट कि ऐसे ऐसे होकर ये ऐसे होता है एंड दे यूज दैट टू जस्टिफाई सिंस दिस इज ट्रू व्हाट ऑल एल्स इज स्टेटेड इन देयर रिलीजियस टेक्स्ट चाहे इस्लाम रहो या क्रिश्चियनिटी रहो या हिंदुइज्म रहो जुडाइज्म रहो जो भी रहो दे यूज दैट नेचुरल फेनोमेना जो लाइक उसका जो सम जो भी उन्हें एक्सप्लेनेशन वो उस टाइम पर उन्हें करने जो लाइक वॉट एवर पॉपुलर एट दैट टाइम और वॉट एवर मेड सेंस एट दैट टाइम वो यूज करके वो दूसरे फेनोमेना और दूसरे लाइक स्क्रिप्चर्स वो असर्ट करते हैं कि ये भी वैसे ही सही है ये जो है it starts with the, and aur ye also ye aur jo hai it also starts with the premise since ye sahi hai they presuppose that this is also what the explanation they provide is true they presuppose the explanation is true and they use the and that becomes the fallacy of presupposition which ends up resulting as a fallacy of constitution ek minute rukiye it becomes a fallacy of constituents like since sare text ke part ka ye hissa sahi hai also implies like reasonably implies that dusre parts of that text is also true ye circle back wo standing to reason becomes a circular reasoning wahi right. like define like wahi like terms define bhi kar lete hain syllogistically aise aise terms mein aise aise like islam mein yahi aman hai like yahi sahi hai और जो सही है वो हम वो कुरान में है और कुरान सही है देयरफॉर कुरान अपने आप में अपने आप का प्रूफ है लाइक दिस बिकम दिस ऑफ और वो बीच में मीडियन एग्जांपल्स जो भी यूज होते हैं फैलेसी ऑफ प्री सपोजिशन फैलेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वो रिजल्ट्स इन फैलेसी ऑफ सर्कुलर रीजनिंग ये बात जो है ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाटएवर इज लाइक प्रमोटेड या जो बात भी चलती है चाहे इस्लाम हो या कोई भी रिलीजन हो